गजल के पहले शायर के तौर पर मैं जनाब यूसुफ राना साहब, जिन्होंने इब्तिदा से इस मुशायरे को यहाँ तक मेरे सपुर्द किया है, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। और बहुत अच्छी उन्होंने इब्तिदाई निज़ामत की। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ और गज़ल का बाकायदा आगाज़ करें। जनाब यूसुफ राना साहब जो मुंबई से तशरीफ लाए हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और गज़ल के दौर का बाकायदा आगाज़ करें। एक मरतबा तालियाँ बजा कर मेरे साथ जनाब यूसुफ राना का इस्तकबाल करें। दोस्तों आइए, चंद कतात आप लोगों के दरमियान पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि मोहतरम अबरार काशिफ साहब ने फरमाया कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जो बयान भी नहीं कर सकते। आइए चार मिसरों से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। समाप्त कीजिएगा कि केस पहुँचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। केस पहुँचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। कि जालिमों के जुल्म सारे नहीं, आप लोगों की शरीक हो जाएगी दोस्तों। जहानत के साथ शेर आ रहे, सुनिएगा कि केस पहुंचेगा अदालत, सब बरी हो जाएंगे। जालिमों के जुल्म सारे सरसरी हो जाएंगे। और वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। वोट देने वाले अब पछता रहे हैं रात दिन, क्या पता था कुछ लुटेरे मंत्री हो जाएंगे। और दोस्तों एक फौजी जो है हमारे हिंदुस्तान के राज किसी दूसरे मुल्कों को बेच रहा था, वो पकड़ा गया। मैंने शेर का ये समाज कीजिएगा दोस्तों कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। यह आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। यह आंधी है हवाओं के भी बाजू तोड़ देती है। और वतन को बेचने वालों तुम्हें गैरत नहीं आई, तवायब भी किसी मौके पे घूर तोड़ देती क्या है। क्या कहने बाबा, वाह बहुत शुक्रिया कि तवायब भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। और ये चार मिसरे भी कि हमारे घर की बर्बादी कहां से ये कहां आई। कि हमारे घर की बर्बादी कहां से ये कहां आई। उधर टूटी है तलवारें, इधर जख्मी जबा आई। उधर टूटी है तलवारें, इधर जख्मी जबा आई। और बहन तो ले गई गहने, मका था ले लिया भाई। मुझे थी फिक्र जन्नत की, मेरे हिस्से में माँ आई। बहुत अच्छे बाबा। मुझे थी फिक्र जन्नत की, मेरे हिस्से में माँ आई। मुझे थी फिक्र जन्नत की, मेरे हिस्से में माँ आई। और परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है। कि परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है। परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है। और खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है। कि खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है। और कहीं जब भीख भी मिलती नहीं है ठोकरें खाकर, शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। और आइए दोस्तों, मैंने कुछ मणिपुर के ऊपर कुछ कहने की कोशिश की, एक छोटी सी नज्म पेश करना चाहता हूँ दोस्तों। समाप्त कीजिएगा कि नज्म यहाँ से शुरू होती है अबरार भाई के, आँख वालों ने मणिपुर का मंजर देखा। क्या आंख वालों ने मणिपुर का मंजर देखा। चश्मे मजलूम में अशकों का समंदर देखा। चश्मे मजलूम में अशकों का समंदर देखा। आतिशे बुग्ज से नफरत का धुआं उठता है। आतिशे बुग्ज से नफरत का धुआं उठता है। देखने वाले तड़प जाते हैं, दम घुटता है। कि देखने वाले तड़प जाते हैं, दम घुटता है। नौजवान लड़कियां सड़कों पर बरहना देखो। नौजवान लड़कियां सड़कों पे बरहना देखो। मुल्क की बेटियां सड़कों पे बरहना देखो। वो कहाँ है जो ये कहते थे पढ़ाओ उनको। वो कहाँ है जो ये कहते थे पढ़ाओ उनको। उन पे जब आ जाए मुसीबत तो बचाओ उनको। उन पे जब आ जाए मुसीबत तो बचाओ उनको। जिनकी तादाद है कम उन पे सितम टूटा है। तहफ़्फ़ुज़ या के आबरू का भ्रम लूटा है। तहफ़्फ़ुज़ या के आबरू का भ्रम लूटा है। काम आई ना मणिपुर में जुमलेबाजी। काम आई ना मणिपुर में जुमलेबाजी। शायद इस खेल से है वक्त का हाकिम राजी।
शायद इस खेल से है वक्त का हाकिम राजी, ऐद हाजिर की कयादत भी तमाशाई है और सांसद की वजारत भी तमाशाई है। ऊंच और नीच का ये झगड़ा मिटाना होगा, आबरू देश की मिटने से बचाना होगा। कौन बदलेगा मणिपुर की हालत राना, सबके जहनों पे मुसल्लत है जहालत राना। वाह वाह वाह।